Resume trade. Resume trade. Resume trade. Resume trade. Resume trade. Koi vote. Yes, yes. Koi bad ko. Bachao. Bad ko. Bahal karo. Trader suko. Bachao. Trader suko. Bachao. Trader suko. Bachao. Bachao. Mazdooro ko. Bachao. Mazdooro ko. Bachao. Mazdooro ko. Bachao. Driver suko. Bachao. जी आज का जो प्रोटेस्ट है ये उस ऑर्डर के हवाले से जो एमएजी की तरफ से तीन दिन पहले थमा दिया गया है जिसमें ट्रेड को सस्पेंड करने की बात की गई थी, तो उस हवाले से आज हमने प्रोटेस्ट यहाँ पे दर्ज किया। ये प्रोटेस्ट दर्ज करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि हम अपनी आवाज़ होम मिनिस्ट्री तक पहुँचाए ताकि वो हमारी आवाज़ को सुने, हमारे जो ट्रेडर हमारे साथ जो हमसे वाबस्ता है, हमारे लेबर हमारे साथ वाबस्ता है, हमारे ड्राइवर हमारे साथ वाबस्ता है जिनका चूल्हा इस पर जलता है, तो यह आवाज़ हम अपनी होम मिनिस्ट्री तक पहुँचाना चाहते हैं, उस होम मिनिस्ट्री को जिसने 10 साल में ट्रेड को चलाया और बहुत कुछ ट्रेड को दे दिया। हम उनको अपील यहाँ से करना चाहते हैं कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें ताकि जितने भी यहाँ इसके साथ लोग जुड़े हैं, जिनकी रोजी रोटी इसके साथ चलती है, उनको जीने का भरपूर हक दिया जाए। आप काफी अरसे से उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या वजह लग रही है जो इस चीज ऐसा हुक्मनामा जारी हुआ? देखिए आप लोग जानते हैं कि पिछले 3 साल से जो लोसी ट्रेड एक शक के दायरे में है, तो यह हमारी डे फर्स्ट से डिमांड तब से डिमांड रही कि लोसी ट्रेड के लिए एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म दिया जाए। ये एसोसिएशन की तरफ से जिस पे आज अमल हुआ और उस इकदाम की मैं सराहना करता हूँ जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से आर्डर है, लेकिन साथ में जो दो इसका दूसरा पार्ट है ट्रेड सस्पेंड करने की बात, देखिए निज़ाम भी साथ साथ में निज़ाम अगर ट्रेड जारी व सारी रहता तो साथ साथ में निज़ाम भी चलता। हम उस निज़ाम के साथ हैं, हम उस एक्शन के साथ हैं जिसमें ट्रेडर्स की बेहतरी हो, जिसमें ट्रेड की बेहतरी हो, जिसमें ट्रेड का फ्यूचर हो। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई इकदाम जो ट्रेड की बेहतरी के लिए हो हम उसके साथ हैं, लेकिन साथ में ट्रेडर्स के जो इंटरेस्ट्स है उसको एमएचए को मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि जब ये ऑर्डर है जो सस्पेंशन की बात की गई इसमें आप लोग जानते हैं कि हम लोग बॉर्डर ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं, हमारे पास बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, हमारा माल अक्रॉस एलओसी फंसा हुआ है, करोड़ों रुपयों का माल फंसा हुआ है जिसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है ताकि हम उसको ला सकें। होमनिशी के इस इकदाम से हमारे ट्रेडर बहुत सारे ट्रेडर वो ख़त्म हो जाएंगे, उनकी मार्केट की लाइबिलिटीज़ है, उनको अपने मकान भेजने हैं, वो उनके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, और ये जो ट्रेडर है जो सीबीएम का एम्बेसडर है जो ट्रेड हमारे मुल्क के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, ये जो ट्रेडर जो इस ट्रेड उस सीबीएम के जो एम्बेसडर है ये ट्रेडर, और जब ये एम्बेसडर ही नहीं रहेंगे तो कल को इस ट्रेड को फिर मजबूत और मुस्तकिम करने से क्या होगा। जो वाजपेयी साहब का जो मिशन था 2004 में जो उन्होंने कंसेप्ट क्रिएट किया था कि सार्क के दरमियान इकतसादी बदहाली और रिश्तों को मजीद मुस्तकम और अमन शांति को लाने के लिए हम ऐसे इकदाम उठाएं जिसकी पहल बाद में 2009 में हुई थी और इस पे बहुत सारा काम जारी वसारी था, और आज तक इस ट्रेड से लाखों लोग मुस्तफीद हुए, जिनका रोजगार, जिनका चूल्हा, जिनके बच्चों की फीस, जिनकी एजुकेशन इस ट्रेड से चलती थी, लेकिन इस इकदाम से आज बहुत सारे बच्चे जो स्कूल से बेदखल हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे जिनके मुंह में दूध की भीड़ थी वो अब छिन जाएगी, बहुत सारे ऐसे कमजोरी माँ बाप जिनको सुबह की रोटी मिलती थी अब उनसे वो रोटी छीन जाएगी। मैं एक होम मिनिस्ट्री से अपने जज्बात उनके ट्रेडर्स के जज्बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि आपने बहुत कुछ किया ट्रेड के लिए 10 सालों में, आपने हमें बहुत कुछ दिया, आपने हमें पाला, लेकिन इस इकदाम से जो 10 साल की मेहनत है वो आज ज़ाया हो रही है। बराई मेहरबानी अपने इस इकदाम को रिव्यू करें और ट्रेडर्स को ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को देखें और अपने फैसले पर नजरसानी करें और इस ऑर्डर को वापस लिया जाए।